तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आप सबका स्वागत है पोकेमॉन द लास्ट पायरेट के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने वो रेटिकेट्स को हरा के नॉर्मल एनिम जी लिया था, तो इसे मैं अपने रोबोट को दे देता हूँ क्योंकि उसके पास भी नॉर्मल टाइप मूव्स है तो शायद हमारी हेल्प करे। और बाकी मेरा पीका पैक तो फेंटेड है, तो यहाँ पे पोकेबॉल है, इसको भी लेते हैं। तो इसके अंदर थ्रो इनटू अ डैन वाला पता नहीं कुछ है, तो ये पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है। 5-6 ड्रॉप इट इन, समझ नहीं आ रहा गाइस मेरे को तो क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि हम लक्की है जो हमें मिला। तो इस डैन के अंदर देखते हैं, इस डैन के अंदर भी अगर पोकेमॉन वगैरह हमें मिले तो ये डैन तो खाली है, तो एक बार देखते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, हमारा विशिंग पेस्ट लगता है वेस्ट हो गया। मैं एक बार बाद में देखूंगा कि मेरे विशिंग पेस्ट, तो हमें इससे बैटल करनी पड़ेगी लगता है, तो करनी ही पड़ेगी। तो इधर भी एक बॉल है, तो इसके पास देखते हैं कितने पोकेमोन है। ज़्यादा पोकेमोन ना हो तो दो ही पोकेमोन है इसका, ब्लिक पग एक जोल्टिक पोकेमोन है। तो हमारे भी देखते हैं कौन से पोकेमोन आए। तो एक रोबोट और एक रॉकीडी आया, तो रॉकीडी पैक करेगा और रोबोट को एम्बर या फिर वो देखते हैं। तो डबल किक इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पास शायद वो जी रिंग भी तो दिया था मैंने इसको, तो पता नहीं जी रिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो डबल किक ही यूज़ कर लेते हैं, तो ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे रहा है ये, मतलब दो पोकेमोन मिलके मार रहे एक पोकेमोन को तब भी मतलब डैमेज नहीं दे पा रहा। तो ये स्ट्रगल बक कर रहा है, ये पता नहीं कितना अजीब सा मूव था देखने में। तो एक और डबल किक यूज़ करते हैं, तो इसकी बार अच्छा खासा डैमेज दिया। तो हमने जोल्टिक को तो हरा दिया है, बस इस बिल्प बग की बारी है। तो जल्दी से इस पे भी अटैक यूज करते हैं पैक और डबल किक। तो एक बार ये पावर ट्रिप यूज करते हैं और इसका एम्बर, तो पावर ट्रिप तो हरा देगा शायद। पावर ट्रिप भी कोई ढंग का मूव निकले वैसा ही, पहले जैसा ना निकले, तो हॉइन क्लॉ की तरह, क्योंकि वो तो बड़ा बेकार सा मूव था। तो ये भी देखते हैं, ये वाला कम से कम सही है, डैमेज तो देता है चाहे थोड़ा ही दे। तो हमने इसे हरा दिया है, तो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, उस पोकेबॉल को लेते हैं। और शायद उधर से ही रास्ता भी है बाहर निकलने का, क्योंकि मेरे को इधर से जल्दी से बाहर निकलना है। तो हमें स्प्रे मिला है, मेडिसिन पता नहीं क्या है। तो इधर रास्ता भी नहीं है, एक तो इतनी बैटलिंग करी इसके साथ हमने और इधर रास्ता भी नहीं है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता। तो जल्दी से रन करते हैं, और इधर तो है नहीं, इधर फिर से एक और पोकेमोन आ चुका है, तो इससे भी रन करते हैं जल्दी से। तो अब इधर इस तरफ से रास्ता है शायद, इधर इससे बैटल करनी पड़ेगी लगता है, तो इससे भी जल्दी से बैटल कर लेते हैं। तो इसका पोकेमोन पहला स्पाइन रैक है, स्पिनर रैक बोलते शायद इसको। तो पहले तो इसने हरा दिया था पर इसकी बार नहीं हरा पाया, तो पैक अटैक यूज करते हैं इसके ऊपर। तो एक ही बार में हरा दिया है, तो इस पे भी पैक अटैक ही यूज करते हैं। तो एक और बार पैक अटैक यूज करते हैं, तो हमने इस निमकाडा को भी हरा दिया है। तो हमारा बस ये रॉकीडी भी थोड़ी सी देर में इवॉल्व हो जाएगा, मतलब 15 लेवल का तो हो ही गया है। तो एक पैक अटैक और इसको हम फेंट कर देंगे, तो हमने इसको भी हरा दिया है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो इधर भी रास्ता है शायद। तो ये ट्रेनर स्ट्रिप बता रहे हैं, तो हमें नहीं सुनना, तो इधर से जाना पड़ेगा शायद हमको, या फिर नीचे भी रास्ता वास्ता होगा कुछ।
तो नीचे भी जाके देख लेते हैं। इधर इधर मेरे को लगता नहीं वैसे कुछ होगा, या इधर भी कुछ नहीं है। तो इधर भी इधर एक पोकेमोन अपीयर हो गया फिर से, स्वॉर्डलून है। तो स्वॉर्डल बोलते हैं मतलब इसको। तो ऊपर ही जाके देखते हैं, शायद हमें उधर से ही जाना पड़ेगा। तो फिर से स्वॉर्डल ही आ गया, तो इससे बैटल करते हैं जल्दी से, फिर शायद हम इधर से निकल पाएंगे। इसे पैक अटैक यूज करते, तो इसने हम पे जी मूव इस्तेमाल करा, और हमारे पोकेमोन की तो हेल्थ भी हाफ है, तो मेरे को लगता नहीं बच पाएंगे। और जिस हिसाब से इसका अटैक दिख रहा है तब तो मेरे को लग ही नहीं रहा। तो फिर भी हम थोड़ी सी एचपी के बच गए, तो ये पैक अटैक अगर सुपर इफेक्टिव लगता तो हम एक ही बार में हरा देते। और कोई नहीं, इसने बहुत अच्छा डैमेज दिया, और इसका जी मूव भी किसी काम का नहीं था, इतना कम डैमेज दिया। अगर जी मूव नहीं इस्तेमाल करता तब तो पता नहीं कितना ही कम के डैमेज मिलता। तो इससे भी लास्ट बैटल है शायद इधर। तो इसके पास भी तीन पोकेमोन्स हैं, ये पोकेमोन वाले भी पता नहीं क्या करते हैं। एक तो तब इधर बीच में कोई हील करने के लिए भी रख नहीं रखा कि हील भी करा ले अपने पोकेमोन्स, और ऊपर से इतने ट्रेनर लगा रखे हैं। तो हमारे रोबोट तो 17 लेवल का हो गया, तो और कोई पोकेमोन तो है नहीं। तो सबसे पहले तो हम अपने पोकेमोन्स को हील कराएंगे, तभी फ्लैचलिंग को मैं आके इधर दोबारा से वो कर लूँगा, क्योंकि अभी तो इनको कराना बहुत तो ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर मेरा ये रोबोट फेंट भी हो गया तो मैं कम से कम फ्लैचलिंग के सहारे इसको रिवाइव तो कर पाऊँगा। तो शायद से मेरे पोकेमोन के पास रिवाइव नहीं है, तो पोशन यूज़ कर लेता हूँ पहले तो मैं। वो देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है पोकेमोन, पर अटैक शायद खतरनाक नहीं है इसके। तो डबल किक इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कम डैमेज लग रहा है, तो दूसरा कोई अटैक यूज़ करते हैं। तो क्विक अटैक यूज़ करते हैं, शायद एक ही बार में हरा दे, क्योंकि हमने उसको डायमंड भी तो दिया था एक। तो अभी एक ऑप्शन सा आया था मेरे को लगा, वो जी मूव वाला। तो इसको करते कैसे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बाद में देखूंगा गाइस इसको जी मूव को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फाइनली हम इधर से निकल सकते हैं, अब पोकेमोन को हील कराऊंगा मैं। तुमने क्या सड़क किनारे कुछ एक पेड़ों को देखा है? तुम उसे पोकेमोन के एक स्पेशल मूव से काट सकते हो आराम से, मैंने सुना था। क्या तुम्हें पता है कि पोकेमोन का एवोल्यूशन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं? बहुत सारे पोकेमोन फॉरेस्ट और केव में रहते हैं, तुम्हें अगर उनको ढूंढना है तो तुम्हें उधर जाना पड़ेगा हर जगह। तो इधर एक चैंसी इससे भी बात करते हैं, शायद हमारे पोकेमोन हील करे। तो इसने हमारे पोकेमोन हील करे, तो शायद मेरे को लगता है इधर और भी फॉरेस्ट होगा तभी। तो नहीं, इधर फॉरेस्ट तो नहीं है, इधर रूट है, तो इससे बात करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि पोकेमोन की जो क्लियर बॉडी होती है उससे एक एबिलिटी इफेक्ट नहीं करती? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, तो इधर इससे बात करते हैं मैं से। क्या तुमने इस ट्रेनर को नहीं देखा? नहीं, मैंने इस ट्रेनर को नहीं देखा, तुम म्यूजियम में जाके उसे देख सकते हो। हेलो, क्या तुमने एक सफेद बाल वाली ट्रेनर को देखा है? क्या तुमने उसे देखा था जंगल में? हाँ, उसका नाम ब्रैंडन है और वो मेरा दोस्त और मेरा राइवल भी है। क्या टीम मैग्मा और एक्वा वहाँ पे थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इधर अभी आ जाएंगे इस रीजन में। चिंता मत करो, ब्रैंडन सब संभाल लेगा, वो नहीं रोक लेगा। तो एक बैटल हो जाए, हम तुम्हें दिखा देते हैं पावर ऑफ ओन। तो अब मैं से भी बैटल कर लेते हैं। तो इसका पहला पोकेमोन मंचलैक्स है, फिर पैक अटैक यूज करते हैं। तो नहीं हुआ एक अटैक में तो पेंट, तो इसने भी कोई डंक अटैक नहीं किया जिससे कि हमें कोई डैमेज हो। तो एक और बार पैक अटैक यूज़ करते हैं। तो इसने अपना पोकेमोन चेंज करके टॉर्चिक कर लिया, तो पैक अटैक यूज़ करते हैं फिर से। तो एक पैक अटैक और, उसमें हम पेंट कर देंगे इसको। तो बस जरा सी एचपी का बचा है, बिल्कुल जरा सी एचपी का। तो हमने टॉर्चिक को तो हरा दिया है, तो फिर से मंचलैक्स आ गया, तो उसके ऊपर पैक अटैक। तो एक और पैक अटैक यूज़ करते हैं,
तो हमने मंचलैक्स को भी लगभग हरा ही दिया था, पर वो हारा नहीं। तो एक और बार पैक अटैक यूज करते हैं। तो हमने मंचलैक्स को भी हरा दिया है, तो हम वो अपने फिर से एक टॉर्चिक को भेज रही है। तो उसके पास दो दो टॉर्चिक है, नहीं उसके पास पहले जो टॉर्चिक थी शायद वही है जिसकी एचपी बिल्कुल जरा सी छोड़ी थी हमने। तो उसका थर्ड पोकेमॉन देखते हैं। तो हम अपने रॉकीडी को बुलाते हैं क्योंकि उसकी भी लेवल अप करनी है ना हमें जल्दी जल्दी, उसको भी 16 लेवल को करना है। फिर देखेंगे कौन से पोकेमॉन में इवॉल्व होगा। तो वो इसका विवीलियन पोकेमॉन है, लास्ट पोकेमॉन विवीलियन है, तो वो अच्छा ही पोकेमॉन है। तो पैक अटैक यूज़ करते हैं इस पे भी पैक अटैक यूज़ करते हैं। एक और बार पैक अटैक यूज़ करते हैं। तो ये भी वही स्ट्रगल बग अटैक यूज़ कर रहा है जिससे कि ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। तो एक और बार पैक अटैक यूज़ करते हैं। तो बस ज़्यादा सी एच पी का बचा है। तो इसने गस्ट अटैक यूज़ करा है, तो बस फेंट ना पोकेमॉन हमारा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो एक बार और पैक हमने इसको हरा दिया है। तो मैं अगले वाले मतलब जरा सी मतलब उसका बचा है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने रॉकीडी को इवॉल्व करने की। सॉरी मैं अपना नाम बताना भूल गई, मेरा नाम मे है, मैं होइन रीजन से हूँ। मुझे प्रोफेसर ब्रिज ने इधर भेजा, ब्रैंडन उस डिवाइस को लैब में भूल गया था। वो ट्रेनर्स को हेल्प करता है पोकेमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए और उनको ढूंढने के लिए स्पेसिफिक पोकेमॉन्स को। मेरे पास एक एक्स्ट्रा है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई, तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम रेड है। ओ तुम अच्छे अपोनेंट हो, हम आगे कभी भविष्य में बैटल करेंगे। तो मैं जाती हूँ, मुझे कुछ सुशी चैन लेनी है, तो मैं जाती हूँ बाद में बात करूँगी। तो उसने हमें अच्छा ही गिफ्ट दिया, तो हम इधर बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो हम पहले पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, वहाँ पे पोकेमॉन हील कराएंगे, उसके बाद फिर देखें बाकी सब हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो इधर एक पीसी टाइप है साइड में, मैंने देखा नया पीसी है कुछ, तो इधर एक आदमी खड़ा है उसके, तो हम नहीं कर सकते। तो थैंक यू नर्स जो है हमारे पोकेमॉन हील करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.